हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, आज मेरा छठा लेक्चर होगा रेडियस गेज पर। ये लेक्चर 6 होगा, अभी चल रहा है गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का ये 6 लेक्चर है, जिसमें आज हम बताएंगे आपको रेडियस गेज क्या होता है। तो गेज जो पढ़ाई कर रहे हैं, गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे, गेज ही पढ़ रहे हैं। तो गेज पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि गेज क्या है? तो एक क्या है, चेकिंग डिवाइस है, तरह तरह का चीज को चेक कर रहा है, चाहे वो आपका इंटरनल डाया हो या एक्सटर्नल डाया हो या गैप हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज सब जो चेक हो रहा है, वो तरह तरह के गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, फिलर गेज, ठीक है। तो आज जो है हम रेडियस गेज के बारे में जानेंगे कि रेडियस गेज क्या करता है। तो सबसे पहले कोई भी गेज है, इसका पहला बात पहले देख लेते हैं। रेडियस गेज, रेडियस गेज क्या है वो देख लेते हैं। तो रेडियस गेज या कोई भी गेज क्या है, एक चेकिंग डिवाइस है। पहला बात तो यही लिख सकते हैं कि रेडियस गेज एक चेकिंग चेकिंग डिवाइस है, यानी कि उपकरण है, पहला बात। दूसरा कि रेडियस गेज क्या करता है, तो रेडियस गेज त्रिज्या माप लेता है। चाहे कोई भी किसी तरह का जॉब हो, मान के चलिए ये मेरा जॉब है, ये जॉब है, तो ये आंतरिक त्रिज्या इसका जो है कुछ तो रेडियस होगा, ठीक है। या फिर एक और इसका एक पार्ट है, ये वाला, ये क्या होगा, बाह्य त्रिज्या, ये इसमें मैच होगा, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। तो रेडियस गेज क्या करता है, आंतरिक या बाह्य त्रिज्या को चेक करता है, ठीक है। यहां हम दिखा भी रहे हैं कि ये इंटरनल जो है रेडियस को चेक कर रहा है, ये एक्सटर्नल रेडियस को चेक कर रहा है ना। ये दो गो फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह अगर कोई फिटर सेक्शन का जॉब है, मैचिंग पार्ट्स है, तो ये इंटरनल गेज क्या करता है ना, कि गेज मतलब हम मार्किंग वगैरह कर लिए, हम कटिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिनिश कर लिए, उसके बाद हमको रेडियस को चेक कर लेना है कि हाँ सही रेडियस में मेरा ये जो है रेडियस कटा हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, रेडियस गेज का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल रेडियस गेज हो या एक्सटर्नल रेडियस गेज हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रेडियस गेज क्या करता है, इसमें लिख सकते हैं रेडियस गेज किसी भी जॉब का आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या को क्या कर रहा है, चेक करता है, ठीक है। हम यही बताना चाह रहे थे कि रेडियस गेज के द्वारा हम इंटरनल रेडियस तथा एक्सटर्नल रेडियस को चेक करते हैं। अब आ जाइए कि ये जो रेडियस गेज दिख रहा है आपको, इसमें स्ट्रिप यानी पत्ती है, ठीक है। अब पत्ती में क्या है, मेजरमेंट अंकित है कि कितना एक्सटर्नल रेडियस को चेक कर सकते हैं, कितना साइज में और कितना साइज में हम, मतलब साइज इसमें दिया हुआ है एक होल्डर के साथ। तो इसमें आप पहले तीसरा बात लिख सकते हैं, इसकी बनावट में बोला जा रहा है कि इस
गेज को एक होल्डर, इसको होल्डर ही बोल सकते हैं, ठीक है, केस जिसको बोलते हैं होल्डर या केस, के द्वारा, केस के द्वारा हम इन इसके इसके ब्लेड को रिवीट रिवीट करके रिवीट करके इस गेज के एक होल्डर यानी केस के द्वारा हम इसके ब्लेड को रिवीट करके एक दोनों साइड किसका, दोनों साइड होल्डर का, दोनों साइड प्लेट को रिवीट करके दोनों साइड फिक्स करते हैं तथा थोड़ा फिक्स करते समय क्या करते हैं, थोड़ा लूज रखते हैं रिवीट को, ठीक है, थोड़ा रिवीट को ढीला रखते हैं, ठीक है, ताकि ब्लेड के इस्तेमाल में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। ये तो यार ये इसका स्ट्रक्चर बनावट क्या है। तीसरा आ जाइए कि ये जो बना हुआ रहता है ये उच्च इस्पात मतलब कि बहुत अच्छा मतलब इस्पात मतलब स्टील का बना होता है, तो ये भी लिखिए कि इसका इस गेज का ब्लेड काफी अच्छी किस्म के स्टील के बने होते हैं, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट जो लेते हैं इस ब्लेड में कहां से कहां तक आप हम ले सकते हैं वो जानिए, तो ये जो है ना 0.6 mm से 25 mm तक का जो है त्रिज्या को माप सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि इस गेज के द्वारा हम 0.6 mm से 25 mm तक की त्रिज्या को चेक कर सकते हैं। अगला बात, ये इंडियन मानक स्टैंडर्ड के अनुसार मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या है, 3 सेट में मिलता है, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो एक रहता है आपका, यहीं पे लिखिए, यह 3 सेटों में उपलब्ध रहता है। एक है 0.6 mm से 1 mm तक, ठीक है, एक रहेगा। दूसरा है 1 mm से 6 mm तक, और तीसरा है कि 8 mm से
तीसरा हाँ 8 mm से 25 mm, 8 mm से 25 mm तक। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है ना, तीसरा वाला जो है 15.5 वाला भी एक सेट आता है इसमें, ठीक है 15.5 mm से 25 mm तक का भी रहता है। ये जो है ना दो दो भाग में बटा हुआ रहता है, हो सकता है ये 8 mm से 25 mm वाला भी मिल जाएगा, या फिर आपका एक रहेगा 15.5 mm से 25 mm तक का, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली इसका काम जान के रखिए कि ये इंटरनल डाया को भी चेक कर, सॉरी इंटरनल मतलब रेडियस को भी चेक कर रहा है आपका, और एक्सटर्नल रेडियस को भी ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना ब्लेड में, यहाँ 2.75 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 0.25 mm जो है ज्यादा है ये रेडियस लिया हुआ है, तो ये बाहरी रेडियस को भी चेक कर रहा है, ठीक है। और ये इधर से क्या हो रहा है, इधर से इंटरनल रेडियस को चेक कर रहा है, इनसाइड रेडियस जिसको बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुरंत चेक करना है हमको, तुरंत चेक करना है, ठीक है। तुरंत चेक करने के लिए हमको कोई ऐसा टेम्पलेट टाइप का चीज चाहिए ना, कि हमको वो उसमें एकदम दिया हुआ है कि हाँ इतना ही त्रिज्या वाला ये गेज है, बस उसको सटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ सही में वो जो मेरा त्रिज्या बना हुआ है वो सही बना हुआ है। अब लास्ट में एक बात और लिखिए कि इसको फिलेट गेज भी करते हैं, इसको फिलेट गेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना तरह का बात है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि काम क्या है इसका, ठीक है। तो काम यही है कि बाहरी त्रिज्या या अंदरूनी त्रिज्या को मापना हो त्रिज्य खंड को, तो हमको रेडियस गेज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो लिखे है कि रेडियस गेज ये क्या है, चेकिंग डिवाइस है। इस गेज के द्वारा किसी भी जॉब का आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या को चेक कर सकते हैं। इसका जो बनावट है उसको लिख दिए हैं कि एक होल्डर में क्या होता है, ब्लेड जो है रिवेट के द्वारा रहता है, और वो आधा आधा करके हो सकता है इधर एक्सटर्नल दे दे उधर इंटरनल दे दे, तो आपको आसानी हो जाएगा कि इधर वाला जो है इंटरनल हो, इधर उधर वाला एक्सटर्नल हो, तो यूज करने में आसानी होता है। और इस गेज का जो ब्लेड होता है काफी अच्छा किस्म का स्टील इसमें यूज होता है, और इस गेज के द्वारा हम 0.6 mm से 25 mm तक का आपका त्रिज्या को माप सकते हैं, ठीक है, आपका रेडियस को माप सकते हैं। अगला है कि यह 3 सेटों में उपलब्ध है, 0.6 mm से 1 mm तक मिलेगा, 1 mm से 6 mm तक मिलेगा, 8 mm से 25 mm मिलता है, मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना इसमें आधा आधा हो जाता है, 15.5 mm से 25 mm वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तीन सेट में उपलब्ध है। अगला है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम और है फिलेट गेज, क्या बोलेंगे फिलेट गेज। तो आई होप आपको रेडियस गेज के बारे में जानकारी मिला होगा कि रेडियस गेज क्या करता है, ठीक है। तो वीडियो जो है ना थोड़ा सा यूट्यूब में आप सर्च भी किया कीजिए, जहां तक अभी पढ़ाई हो चुका है जो टॉपिक, उस टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो लास्ट में लिखिएगा DRP ITI, ठीक है। जैसे आप फिलर गेज देखना चाह रहे हैं तो फिलर गेज लिखने के बाद DRP ITI जरूर लिखिए, और एक बार सर्च करके देखिए आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्चिंग भी कीजिए यूट्यूब में, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त में फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। अगला टॉपिक लेके आते हैं, धन्यवाद।